नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं आपको कार्यक्रम के शुरू में ही एक पुराना क्लिप दिखा रहा हूँ, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे और रीगन ने उनको कैसे रिसीव किया था। छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए। In a joint statement issued at the end of his visit, the Prime Minister and the President reaffirmed their faith in the democratic process, reviewed the major issues reflecting peace, security, and economic development, and agreed that their two governments would remain in close touch to enhance their mutual understanding. The warmth in the relationship between these two great nations is evident in the meetings between their two leaders, meetings which show that new beginnings based on common ideas can lead to friendship and mutual respect. मैं जानबूझ के उसके पूर्व के प्रधानमंत्रियों का कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि नेहरू के बारे में या इंदिरा गांधी के बारे में कहना कि स्टेट्समैन कितने बड़े थे, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आज मैं इस पे और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। प्रधानमंत्री इस समय यूएस में हैं, तो इसलिए उनके बारे में कोई बात करना इस समय मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के जिनके भी कोई दोस्त मित्र घर के परिवार के लोग अमेरिका में हैं, उनको फ़ोन करिए और उनसे इतना ज़रूर पूछ लीजिए कि वहाँ की मीडिया हमारे प्रधानमंत्री जो अभी वहाँ गए उनको क्या लिख रही है और उनके बारे में क्या कह रही है। बाकी बातें जब प्रधानमंत्री जी वहाँ से वापस आ जाएंगे तो ज़रूर मैं बात करूँगा कि ये दौरा कितना सफल रहा और क्या क्या इसमें हासिल हुआ। अब ज़रा बात कर लें आज कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस से ही शुरू हुआ है तो कांग्रेस की बात कर लें। आप लोग सेल समझते हैं, सेल लगती है सामान ले जाने की, सस्ते में सामान खरीद लो, महंगे में सामान कर लो, इत्यादि इत्यादि। अगर कपड़े वपड़े की भी लगती है, खाने पीने की भी लगती है, सामान खराब होने लगता है तो आदमी कहता है भाई हाँ आधे पैसे में ले जाओ, ये सब होता है ना। और कुछ और भी सेल लगती हैं दिल्ली में जो रहता है। मैं जब एक जल्दी से छोटा सा आपको बता दूं कि ये कांग्रेस की सेल और उस सेल में क्या वो है। मैं दिल्ली में 87 में पहुंचा और वहाँ एक स्नो वाइट की सेल होती थी, बड़ी सेल होती थी। और उसमें मुझे ठीक से याद है कि वो धीरे से वो नीचे से थोड़ा सा उठाते थे शटर और उसमें करीब करीब लेट के आपको अंदर जाना होता था, इतनी भीड़ होती थी। तो पीछे से निकालते थे कनॉट प्लेस में, तो वो सेल था, इसलिए था कि माल कुछ भी अच्छा बुरा जो भी अंदर बेच दो। उसी तरह की एक कोई चीज़ अभी कांग्रेस में हुई। कांग्रेस ने कहा कि आइए आइए, क्या वो आवेदन भरिए, आवेदन भरिए, कांग्रेस के एमएलए बनिए, कांग्रेस के एमएलए बनिए। कांग्रेस को कहीं से ये गलतफहमी थी कि जब वो अपना ये आवेदन पत्र मांगेगा कि विधायक बनने के, मतलब विधायक की लड़ने के लिए चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल मार हो जाएगी, लोग आफत कर देंगे। और यही समझ के जो भी वहाँ का स्ट्रेटेजिस्ट है उसने नाम रखा कि 11,000 रुपये पर हेड। और ये भी बताया गया कि इससे कांग्रेस के पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमारा दफ्तर चलेगा, हम लोग के पास पैसा नहीं है, और भयंकर पैसा आ जाएगा। और उसकी डेट रखी गई कि वो 10 सितंबर से या जो भी 9 सितंबर से 26 सितंबर तक आप फॉर्म भरिए। और ये भी कहा गया आप फॉर्म जिले में जमा कर सकते हैं, आप फॉर्म स्टेट में जमा कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। जैसे कोई भी सेल होती है कि आप यहाँ से खरीद लीजिए, आप वहाँ से खरीद लीजिए, एक कटोरी के साथ एक चम्मच फ्री, थाली के साथ कटोरी फ्री, इत्यादि इत्यादि, कुछ इस तरह की बात होने लगी। मुझे लगता है कि एक अच्छी मैं राय दे दूँ कि अगर विधायकी अप्लाई कर रहे हैं तो प्रधान ही अगली बार में आपका नाम कुछ इस तरह से कर देते हैं तो अच्छा रहता। खैर, आज का एक स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट है, वो मैं आपको इसमें लगा दे रहा हूँ, आप अपनी आँख से खुद देख लीजिए। स्टेटमेंट का नाम है आवश्यक सूचना। तो सूचना तो सेलेल में ही निकलती है ना, मतलब पॉलिटिकल उसमें इस तरह की तो मैंने बात सुनी नहीं थी। अब उसमें लिखा है, उस सूचना में है, जो लल्लू जी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है 10 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी। अब आप ये बताइए ये कब होता है? ये तभी होता है जब आपका माल बिकता नहीं है या आपके पास उतने आवेदन नहीं आए होते हैं। हम मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं 87 में दिल्ली पहुँच गया था और DPS में एक फॉर्म होता था, उस मतलब बच्चे के एडमिशन के लिए, मतलब सुबह से क्या भीड़ होती थी, चार चार घंटा दो दो घंटा लाइन में लग के फॉर्म लेने के लिए। अब तो वो उसका प्रचंड रूप हो गया है, छोटे शहर बड़े शहर, अब अगर कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला कॉलेज है तो उसमें तो मतलब मारम मार है।
फॉर्म लेने के लिए, अभी एडमिशन नहीं हो रहा है, केवल फॉर्म के लिए। तो यहां पे अभी फॉर्म लगता है उतना नहीं बिका, क्योंकि अदरवाइज 10 अक्टूबर तक क्यों बढ़ाते? अगर आपके पास पर्याप्त एप्लीकेशन आ गई होती तो क्यों बढ़ाते? अब इसको जिसने भी किया है, जिसने भी ये सब हरकतें की हैं कि आवेदन दीजिए 11,000 रुपया दीजिए, उनको समझ में नहीं आया कि इससे छवि कितनी खराब हुई है। भाई ऐसा है कि मैं बार बार कहता था कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आपके साथ सबके सामने ये जग जाहिर हो गया है कि देर आर नो टेकर्स। आपके यहाँ आवेदन करने वाले आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको लड़ने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी छवि नहीं खराब हो रही है? क्योंकि जब ये पता लग जाए ना, देखिए हम सब लोग जो भी नौकरी करता है कारोबार, जब तक सामने वाले को ये पता ना रहे कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, वो आपके चारों इर्द-गिर्द घूमता रहता है। जिस दिन पता लग जाए कि ये फुकरा है, लोग दूर रहते हैं कि यार कुछ अपने ही से मांग लेगा। कुछ इसी तरह की स्थिति लल्लू जी ने कांग्रेस के लिए बना दी है। जब लल्लू जी ये बार बार कह रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं, कांग्रेस के पास पैसा नहीं, हम लोग पैसा, अरे भाई पैसा नहीं तो अपने घर में रहो, फिर कांग्रेस अपना घर में रहे। डॉक्टर ने तो नहीं कहा है ना कि आके यहाँ इलेक्शन लड़िए। तो पहला काम तो ये उन्होंने जग जाहिर करने की कोई बात नहीं थी कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसके पास कहीं ना कहीं रिसोर्स अरेंज होते ही हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि कांग्रेस ने इस हरकत को करके कहीं ना कहीं अपने को उस सीरियस कंटेंडर की रेस से बाहर करने के तरफ कदम जरूर बढ़ा दिया है। क्योंकि आपके पास 7 MLA थे, वो भी आपसे नहीं संभाले गए थे, और उसके बाद आपने ये हरकत कर दी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये माना जा रहा है कि ये लोग हैं नहीं कहीं आसपास। अब एक और खबर आ जाए, ललितेश पति त्रिपाठी जी, जो कमलापति त्रिपाठी जी के उनके प्रति पर पिता अमह थे, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके प्रपौत्र हैं, उन्होंने 4 साल पुराने कांग्रेस के अपने परिवार के रिश्ते को छोड़ के आज कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और सारे पदों से, वो वाइस प्रेसिडेंट उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का शायद बनाया गया हुआ था, वो थे, वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। मैं एक चीज़ ललितेश जी के बारे में ज़रूर तारीफ करूँगा कि उन्होंने कहीं पे भी जब छोड़ा है, और ये एक मैच्योरिटी की बात है, नवयुवक हैं, कम उम्र के हैं, उनको भी ज़रूर पीड़ा होगी जब छोड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी कोई खराब बात नहीं कही है कांग्रेस के बारे में। उन्होंने बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बहुत तारीफ की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि देश का भविष्य केवल कांग्रेस के हाथों में ही सुरक्षित है। ये उन्होंने बिल्कुल अंडरलाइन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ किया है कल। और कारण उन्होंने ये बताया है कि मैं क्यों छोड़ा, उन्होंने कहा भाई पुराने कांग्रेसियों को तवज्जो नहीं दी जा रही, जो ओल्ड टाइमर्स, उन्होंने कहा जो इतने जनरेशन से हैं, इंदिरा गांधी के ज़माने से लोग हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। और मैं सिर्फ 2-3 नाम ले लूँ, मैं नाम इसलिए ले लूँ क्योंकि मैं भी कुछ इत्तेफाक इससे ज़रूर रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के 3 नाम लेते हैं, ऐसे तो तमामों नाम हैं जो लिए जा सकते हैं। श्री प्रकाश जायसवाल जी, याद है कांग्रेस के समय गृह मंत्री बनाए गए थे, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, OBC या बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, कानपुर से लड़ते थे चुनाव, कहीं नाम सुना है पिछले 2-4 साल में आपने उनका, लल्लू जी के आने के बाद खास करके। निर्मल खत्री, नाम सुना है, उसी फैजाबाद अयोध्या के उस रीजन से आते थे जो पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम सुना है। एक व्यक्ति और, राज बब्बर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जमीन का आदमी, बॉलीवुड एक्टर, पॉलिटिकली और सोशली और सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव। कब लास्ट देखा था राज बब्बर को आपने कांग्रेस के किसी फंक्शन में? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या श्री प्रकाश जायसवाल खुद आए और कहें कि लल्लू जी मैं आ गया, आप बताइए क्या काम करूं? ये जिम्मेदारी क्या लल्लू जी की नहीं है? एक यहाँ पे जब लल्लू जी आए थे या उसी समय एक अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था कुछ पुराने लीडर्स के ऊपर, वो सब मतलब उसमें से कोई 50 साल का नहीं था, सब 70 के ऊपर वाले थे, उसमें से 90% इलेक्शन भी नहीं लड़ने वाले थे। आपने क्यों निकाला आप जाने, क्योंकि मैं ललितेश जी का एक बहुत कहूँगा, उन्होंने कोई डैमेजिंग स्टेटमेंट नहीं दिया है,
उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों ने पूछा आप सपा में जाएंगे, इस तरह की बात हो रही है, उन्होंने कहा ये मेरा परिवार तय करेगा कि आगे का मेरा पॉलिटिकल वो मैं एक्शन क्या लूँगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, मैं परिवार से और लोगों से मिल बैठ के बात करेंगे तब होगा। और ये ठीक भी है क्योंकि कमलापति जी का एक बड़ा परिवार था, और अगर वो परिवार से अपने जो भी उनका सामाजिक वो है उससे मिल बात के कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने ललितेश जी ने इंडिकेशन दिया है कि वो प्रादेशिक नेतृत्व जिसका मतलब लल्लू जी हैं उनसे खफा हैं, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। अच्छा मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि कांग्रेस क्या क्या पार्टी है भाई, क्या पार्टी थी और क्या पार्टी हो गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सारी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन, मतलब अंडर ब्रैकेट के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन, उसको क्योंकि कोर्ट की रूलिंग है कि आप जाति सम्मेलन नहीं करा सकते हैं, लेकिन वो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, आप तो वो आम आदमी पार्टी भी करा रही है, ये सब लोग एक प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं। और कांग्रेस में जो इम्पोर्टेंट नेता पिछले 2-4 महीने में छोड़ के गए हैं वो उसी प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हो और अब ललितेश हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दोनों युवा हैं, आप ठीक है भाई, आप पुराने लोगों को आपसे दिक्कत थी, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे 70 साल वालों से, जो युवा हैं उनसे आपको क्या दिक्कत है लल्लू जी। और देखिए एक चीज मैं फिर से बता दूं, जिम्मेदारी एंड ऑफ द डे नेतृत्व की होती है कि वो इन लोगों को कैसे बांध के रखे, और ये एक एक कांग्रेस के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब खतरे की घंटी है, कांग्रेस सुनना चाहे सुनेगी, नहीं सुनना चाहेगी तो ठीक है, चल देश तो चलेगा ही। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, आज अरविंद केजरीवाल इतने अच्छे से दिल्ली को चला रहे हैं, लोग भूल गए ना कांग्रेस के राज को, आज केजरीवाल चला रहे हैं, तो किसी के लिए कोई रुकता नहीं है, नया नेतृत्व आ जाता है और वो उस जगह को फिल कर देता है। मैं कांग्रेस के रेफरेंस में इसलिए कह दूं क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत साल पुरानी आज़ादी की लड़ाई से लोगों की 100-100 साल पुराने रिश्ते रहे हैं। मैंने जितिन प्रसाद जी और ललितेश जी का नाम उत्तर प्रदेश से लिया, सिंधिया ज्योतिरादित्य चले गए भाजपा में, और आज की खबर है, मतलब आज के अखबारों में छपी है कि अर्जुन सिंह के लड़के अजय सिंह के यहाँ भी कोई फंक्शन था और उसमें भाजपा के लोग गए थे और बातचीत हुई है। कहीं आपको नहीं लगता है कि कुछ तो सोचना चाहिए कि ये कहाँ जा रहे हैं। एक एक मैं और चीज़ कह दूँ, ग्राउंड पे आप कितने इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बनिस्पत आप हवाबाजी कुछ करते रहिए। एक पार्टी विशेष का मैं इसलिए प्रश्न पूछता हूँ कि वो केवल हवाबाजी में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस को भी लगता है कि वो उनका रोल मॉडल बीजेपी ही है। शायद 2019 के अंतिम समय में एक बार क्लोजिंग ईयर्स में या फर्स्ट वीक ऑफ, मेरा जहाँ तक याद है 2019 के अंत में प्रियंका जी उत्तर प्रदेश आई थी, फिर चलिए बहाना है कि भाई कोविड हो गया, कोरोना हो गया, हालांकि कोविड और कोरोना है और अगर आपकी कंस्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश है, आप उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं तो आपको यहाँ आके खोज खबर लेनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है लोगों का, कम से कम आती तो। खैर फिर आप कुछ 15-16 जुलाई के करीब आएँ और आएँगे और कहीं क्या 12 हफ्ते आएँगे, हर 10 दिन पर आएँगे, फिर आप कब आएँ, आप सितंबर में आएँ, ठीक है भाई सितंबर में आप 3 दिन लखनऊ रहेंगे, 2 दिन रायबरेली रहेंगे, लेकिन आप अभी खोल के कोई भी उनका ट्विटर हैंडल देख ले, रोज एक फोटो ऐसी लगाई जा रही है, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि वो जैसे रोज उत्तर प्रदेश में है। झूठे परसेप्शन से चीजें नहीं चलती हैं, आप भी वही चीज कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। लोग अगर आज बीजेपी को से लोग तंग आ रहे हैं तो उनके इन्हीं सब चीजों से खफा हैं। आप ये रोज परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा, ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो मैं जैसे देख रहा हूँ कि किसका फ़ायदा हो रहा है, बहुत से लोगों को जनरली जो मैं कभी बात करता हूँ तो लोगों के पास देखो 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 बीजेपी ने कहा था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस को तो ख़त्म कर रही है। मेरा अपना जो आकलन है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ। और हाँ एक बात मैं जल्दी से और कह दूँ कि एक फ़र्क बहुत अजीब सी चीज़ मैंने देखी, हालांकि पोजिशन का फ़र्क है, वो कैप्टन अमरिंदर चीफ मिनिस्टर थे, ललितेश तो मतलब पुराने एक परिवार से आ रहे थे जो कांग्रेस है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर का अभी भी वो तलखी गई नहीं है, उनको अभी भी ही हैज़ टू गेट ओवर दैट, जो गुस्से के ऊपर उनको काबू करना होगा, क्योंकि नुकसान वो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का कर रहा है तो नुकसान उनका भी हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी तो कैप्टन साहब भी समझते हैं ना, उनकी पत्नी कांग्रेस की एमपी हैं,
इतना आसान नहीं है कांग्रेस से पीछा छुड़ाना। कहाँ जाएंगे आप? आम आदमी पार्टी में आप जा नहीं सकते, वो लोग लेंगे नहीं आपको। आपके पास ऑप्शन ले देके एक ही बच रहा है, वो है अकाली दल। आज अगर आप भाजपा ज्वाइन कर लेंगे ना, अगर आज कैप्टन अमरिंदर साहब आप भाजपा किस या उनके साथियों को लगता है कि भाजपा में चले जाएंगे, वो भी एक ऑप्शन है। इलेक्शन की दृष्टि से पंजाब में भाजपा ज्वाइन करने में इस समय क्या हालत होगी, आप कोई भी समझ सकते हैं। मैं फिर उत्तर प्रदेश पे आ जाऊँ। कांग्रेस के इस सब कमज़ोर होने से फ़ायदा किसका हो रहा है? मेरे अपना मानना यह है कि कांग्रेस के इस तरह के कमज़ोर होने से एक और एक ही पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, उसका नाम है सपा। भाजपा का फ़ायदा नहीं होगा। आज जो भी कांग्रेस के साथ है वो वोटर नहीं है जो कांग्रेस का, जो बीजेपी का वोटर हो। आज वो बीजेपी के विरोध में जो वोटर है वो कांग्रेस में आके कहीं उसको लग रहा है कांग्रेस हो जाती ठीक तो मैं यहाँ वोट देता, दिस इज एन ऑप्शन। ये राष्ट्रीय वो है, ये सपा तो है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, कांग्रेस का कम से कम एक मुझे राष्ट्रीय वो मिलेगा। तो अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होती है तो उसका सीधे सीधे फायदा अखिलेश को मिलेगा। और मुझे अभी भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जो रोज़ ताल ठोक के लल्लू जी मतलब बीजेपी से ज़्यादा सपा के ऊपर आक्रामक क्यों हो जाते हैं, ये मुझे नहीं पता है। लल्लू जी को एक दो चीज़ें ग्राउंड की समझनी चाहिए, चाहे आज चाहे कल चाहे परसों चाहे नरसों। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी आपकी कोई भी हालात बनती है पोस्ट इलेक्शन, आप 200 सीट तो जीत के आ नहीं रहे हैं, आप 2 सीटें या 20 सीटें या 100 सीटें जो भी जीत के आ रहे हैं, अगर आपका कुछ भी मामला बन सकता है तो वो सपा के साथ ही बन सकता है, वो भाजपा के साथ नहीं बनेगा। तो वाई यू टारगेट, क्योंकि ये एक दिक्कत है लल्लू जी की, वो टारगेट उनको करते हैं। दूसरी एक मतलब ऐसा मुझे लगा है, किसी भी बैकवर्ड लीडर को किसी भी वर्ग विशेष के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। लल्लू जी को भी उससे उभरना होगा, और नहीं तो कांग्रेस जैसे उन्होंने सेल लगाई हुई है ना, तो ये सेल काफ़ी फीकी रह जाएगी। और अभी जैसा लग रहा है कि 10 अक्टूबर आने पे आपको शायद एक महीने के लिए फिर डेट एक्सटेंड करना पड़े, भाई आओ आओ आओ, रिडक्शन में सेल, MLA का अप्लाई करो, प्रधानी का फ्री में ले जाओ, कुछ इस तरह की बातें आपको करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच फॉर। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।